जी स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया व्हाट इज जियोसेंट्रिक ऑर्बिट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सैटेलाइट, द पोलो ऑर्बिट एंड द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये तमाम जो थी ये वो सैटेलाइट्स हैं, ये वो ऑर्बिट्स हैं जिनके इर्द गिर्द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट जो हैं डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर क्या कर रही हैं, रिवॉल्व कर रही हैं और हमें डिफरेंट चीज़ों के बारे में डिफरेंट साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ला के दे रही हैं, जिससे साइंटिस्ट जो हैं ह्यूमंस को, इंसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस कायनात को और बेहतर तरीके से जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट, वी डिस्कस यूजेस ऑफ सैटेलाइट, के सैटेलाइट के इस्तेमाल क्या हैं। तो सबसे पहले जो सैटेलाइट आती है वो आती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सी सैटेलाइट होगी, कोई मुझे बताएगा? कम्युनिकेशन सैटेलाइट वो सैटेलाइट है जो हम टेलीफोन्स में, रेडियो में, टेलीविजन में, इंटरनेट के थ्रू क्या हो सकते हैं, जिनके सिग्नलिंग हासिल करके दुनिया की मालूमात को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम दूर दराज बैठे हुए अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं, उनके एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी हमें किसके जरिए मिलती है, ये इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट के जरिए मिलती है, जो रिसीविंग सैटेलाइट डिश की मदद से क्या कर रहा है, ये सैटेलाइट को जमीन के ऑर्बिट में भेजती हैं और वो ऑर्बिट के अंदर रहते हुए रिवॉल्व करके हुए यहाँ रिसोर्स सिग्नल्स के थ्रू क्या करती हैं, हमें इंफॉर्मेशन पहुंचाती हैं। तो सैटेलाइट्स का, ये जो सैटेलाइट है आपके पास, ये वो उसका रिसीविंग सैटेलाइट डिश है जो जिसका ये पार्ट जो है जो बाहर भेजी हुई जमीन की एटमॉस्फेयर या लेयर के बाहर भेजी हुई सैटेलाइट को क्या कर रहा है, रिमोट कर रहा है। तो इसकी यहां से जो सैटेलाइट जाती है वो क्या कहलाती है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहलाती है। आई यूज टू रिले टेलीफोन मैसेजेस एंड द रेडियो एंड द टेलीविजन सिग्नल। ये टेलीफोन्स के जरिए जो हमें मैसेज आते हैं उसको प्रोवाइड करती है, रेडियो सिग्नल को प्रोवाइड करती है और उसके साथ साथ टेलीविजन सिग्नल को भी हमें क्या करती है, हम तक पहुंचाती है। आपको पता है ना कि पहले अगर हम प्रीवियस ईयर्स में जाएं तो स्टार्ट में हमारे पास ऐसा कुछ टेलीविजन या वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट मौजूद नहीं था। तो हमारे पास क्या होता था, रेडियो चैनल्स होते थे, उन रेडियो चैनल्स के जरिए जो था यही ट्रांसमीटर क्या कर रहा था, रेडियो के सिग्नल्स को कैच करता था और हमें दुनिया के बारे में, हमारे माहौल के बारे में, हमारी अपनी ज़मीन के बारे में मुख्तलिफ किस्म की मालूमात जो थे वो फराहम कर रहे थे। लेकिन आज हमारे पास टेलीफोन्स भी हैं, हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब भी है, हमारे पास टेलीविजन भी है, ये तमाम चीजें मिलकर हमें हमारी ही यूनिवर्स के बारे में, हमारी जमीन के बारे में स्पेशली क्या कर रहे हैं, सारी के सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इट इज ड्यू टू द सैटेलाइट सच एज दीज दैट वी आर एबल टू वॉच लाइव। इन तमाम चीजों की मदद से और सैटेलाइट सिग्नल की मदद से हम हर इवेंट को क्या कर सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। लाइक स्पोर्ट्स बींग प्लेड, क्या खेल खेला जा रहा है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में, ऑन अवर टेलीविजन सेट, ये सब हमें टीवी पर, इंटरनेट पर, तमाम चीजों पर क्या हो सकता है, मिल सकता है। तो ये किसकी मदद से है, ये उन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मैनमेड सैटेलाइट की मदद से है जो एस्ट्रोनोमर्स ने, जो साइंटिस्ट ने इंसान की हेल्प के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन के लिए क्या की है, बनाई है। तो स्टूडेंट, दिस इज द यूज ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट, दैट इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके okay?